लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बीएसएफ चेक पोस्ट, एसएसपी खान से मिलना है। मतलब आईजी साहब, ऊपर जाके राइट ले लीजिए। शुक्रिया। एसटीएफ और आर्मी की कोऑर्डिनेशन मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक है, तुम कोटीबाग स्टेशन जाओ और वहां के ऑफिसर को जाके मिलो। ओके जी। आईजी खान से मिलना है। जी जनाब। कोई बीएसएफ वाला, ये भी सर 10 साल पीछे चलते हैं। एसएसपी खान से मिलने आया था। एसएसपी खान? स्टॉप इट, स्टॉप इट। कुलदीप, आर यू ओके? आई एम डबल ओके सर जी, बस छूकर निकल गई। आप यहां अंधेरे में क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? अल्ताफ वापस आ गया है। अल्ताफ कहां है? कैसा है वो? बड़ा हो गया होगा ना? कैसा दिखता है? मैंने उसे देखा नहीं। क्यों? उसने नकाब पहन रखा था। नकाब? वही था जिसने आज मुझ पर गोली चलाई। आपको कैसे मालूम वो अल्ताफ ही था? उसकी आंखें बिल्कुल वैसे ही हैं। बच्चा है वो, गुस्से में गोली चलाई होगी, उसका दिल टूटा है। जानता हूं नीलू, और उसका दिल तोड़ने वाला मैं ही हूं ना। ठीक से खड़े हो? सारे के सारे इंडियन आर्मी के लग रहे हैं पक्के। काबू सही दिख रहा है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? देख रहे हो ना, मैं काम कर रहा हूँ, बाद में मैं आ जाऊँ? अरे नंबर ही, हाँ नंबर बदलने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी बदल, किसी दिन पकड़ा जाएगा। कहावा कहावा? नहीं शुक्रिया गफूर भाई। बिलाल कहावा? सादिक मियाँ कहावा? नहीं चाहिए। अल्ताफ भाई कहावा पियोगे? मुजफ्फराबाद का नहीं, गफूर के हाथ का बना है, पियोगे तो तरोताजा हो जाओगे। मोहम्मद कहावा? बाद में। मुताक खत आया है। पहले उन लोगों ने मेरी अम्मी के साथ, तो मैं बंदूक उठाकर इधर चला आया था, अब खबर आई है कि सरहद पार वालों ने भी मेरी बहन के साथ। हौसला मुस्ताक। बशीर कहावा? नहीं। हाशिम कहावा? अरे नहीं चाहिए भाई तुम्हारा कहावा। अरे तुमको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सादिक मियां क्या रोते रहते हो यार? ये दौड़ना भागना छोड़ के नाचा कूदना देखा करो। टीवी पर खान, अल्ताफ भाई टीवी पर खान, टीवी पर खान। कि वो इन नौजवानों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो अपनी बंदूकें फेंक दें और वापस अपने घर लौट आएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कश्मीर की किसी माँ की गोद फिर सूनी हो जाए। पर बेगुनाहों के खून से पुलिस की वर्दी भी बेदाग नहीं है खान साहब। अगर हमारी पुलिस फोर्स बंदूकें उठाती है तो सिर्फ कश्मीर को बचाने के लिए उठाती है। 23 जून 1989 जानकेट, आपकी टास्क फोर्स ने एक उग्रवादी को पकड़ने के लिए एक पूरे खानदान की जान ले ली थी।
जिनमें एक 6 साल की बच्ची भी थी। आपको कुछ याद है सर? जब सामने से गोलियां चल रही हो तो ट्रिगर हमसे भी दब जाता है। That's all I have to say. Thank you, Mr. Khan. अभी हम बात कर रहे थे कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनायत खान से, जिन पे हाल ही में कुछ उग्रवादियों ने हमला किया था। कश्मीर टुडे से मैं सूफिया परवेज, खुदा हाफिज। ये ऑल इंडिया रेडियो का श्रीनगर केंद्र है और मैं सूफिया परवेज। ए अल्ताफ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और तुम सब प्रोग्राम करेंगे तो देखेगा कौन? ठीक है, मत आओ, रहने दो। गानों के प्रोग्राम में आज हम सुनेंगे कश्मीरी लोकगीत बुमरो। बुमरो, बुमरो। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने तो मुझे बुलाया था। मैंने? आपकी तबीयत तो ठीक है, मैंने कब बुलाया आपको? यही कुछ 9 या 10 साल पहले। बड़ी जल्दी भूल गई आप। 9-10 साल पहले? तब मैंने कहा था कि अगर सब प्रोग्राम करेंगे तो देखेगा कौन। माफ करना सूफी, मुझे आने में जरा देर हो गई। ये है सूफी परवेज का ऑफिस। टेंटेडन, कैसा है? अच्छा है ना? जानते हो हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में दूरदर्शन के डायरेक्टर साहब आए थे चीफ गेस्ट बनके, और सभी की तरह उनको भी मेरा डांस बहुत अच्छा लगा। और जब वो मुझे फर्स्ट प्राइज देने स्टेज पे आए तो वो बोले, मैं उनसे बातें करने लगी तो बोले, सूफी तुम जितने थपैक से नाचती हो उतने थपैक से बातें भी करती हो। तो मैंने बोला वो तो है। तो जानते हो उन्होंने मुझे क्या बोला? सूफी तुम्हारी टीवी में आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाती? मैंने कहा ठीक है और मैं इधर आ गई। और तब से लेके अब तक श्रीनगर टीवी यानी कि सूफिया परवेज। अब तुम अपने आप को देखना बंद करो और ये देखो अबू अम्मी। पता है कहाँ कहाँ तलाशा तुम्हें अम्मी और अबू ने, और जब तुम नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि, पर मैं नहीं मानी क्योंकि मैं जानती थी जब तक हजरत बल और शंकराचार्य सलामत है तब तक मेरे अल्ताफ को कुछ नहीं हो सकता। अब तुम खड़े क्यों हो, बैठते क्यों नहीं? जनाब ये सूफिया परवेज की कुर्सी है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम चले कहाँ गए थे? मैं कहीं नहीं गया था, पुलिस मुझे ले गई थी। जेल में? यतीम खाने। फिर एक पुलिस ऑफिसर मुझे अपने घर ले गए अपना बेटा बनाकर। फिर तुम मिलने क्यों नहीं आए? आने वाला था लेकिन उसी हफ्ते उनका तबादला हो गया आसाम। तो चिट्ठी क्यों नहीं लिखी तुमने? लिखे थे, कई खत लिखे थे, कुछ कागज पे कुछ मन में, पर पोस्ट नहीं कर पाया। क्यों? तुम्हारे आसाम में डाकखाना नहीं है क्या? डरता था कहीं तुम्हारा जवाब नहीं आए तो मैं समझता कि तुम। ओ, तो तुमने सोचा सूफी मर गई और जन्नत चली गई? अगर मैं जन्नत भी जाती ना तो तुम्हारे लिए अपने पता छोड़ के जाती। जन्नत के सिवा एक और जगह भी जाते हैं लोग। ओ, जहन्नुम में? हो ही नहीं सकता, मैं नहीं जाने वाली कोई ऐसी वैसी जगह। तुम अपनी सोचो, हाथ दिखाओ। हाथ? काटूंगी नहीं, देखूंगी। मत देखो। क्यों? डरते हो अपने आने वाले कल से? अपने बीते हुए कल से, अपने जन्म से। ऐसी बातें क्यों करते हो अल्ताफ? अब तुम आ गए हो ना, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी अपने बचपन में शिकारे पे, और जन्नत वापस लौट आएगी। दौड़ते थे ना सादिक? क्रॉस कंट्री, पूरी वादी में मुझसे तेज दौड़ने वाला कोई नहीं था, शायद इंडिया में भी नहीं।
लेकिन कश्मीर के लिए दौड़ ना सका। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग सका। ओ बंद करो यार, आधी रात को। सॉरी जुबेर भाई, वो रेस आ रही थी इसलिए। ओ तू सब्र रख, तेरा चेहरा शूट करके लगा दूंगा जीतने वाले के ऊपर, देख देख के खुश होते रहना। अभी बंद करो इस मनुष्यत को यार। जुबेर भाई, आप सोते भी अपने कैमरे के साथ हैं? क्यों, आप नहीं सोते अपने मिसाइल के साथ? जैसे आप मिसाइल बनाने में एक्सपर्ट हैं, मैं फिल्में बनाने में। और अल्ताफ भाई, जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं, कैमरे से भी जीती जाती है। कैसे? पता है, आप होने दो, फिर बताऊंगा अपना कमाल। अभी सोने दो यार। शब्बा खैर अल्ताफ भाई। शब्बा खैर सादिक। अल्ताफ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? छुपा रहा हूँ, नहीं तो? जनाब, मेरा नाम सूफिया परवेज है और मुझसे कोई कुछ नहीं छुपा सकता। मेरी बात मानो सूफी, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। ओफो, बोल दे जनाब आला, अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दे। पता है सूफी, आज 10 साल के बाद तुम मेरे सामने बैठी हो, मेरे पास हो, लेकिन तुम्हारा एहसास नहीं है। 10 साल के बाद एक शिकारे में बैठा हूं, लेकिन कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। चारों तरफ इतनी खूबसूरती है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तो क्या दिखाई देता है तुम्हें? धुआं दिखता है सूफी, चारों तरफ, और धुएं में चलती हुई अंधाधुंध गोलियां, मरते हुए लोग, उनकी चीखें, गिरती हुई लाशें, लाशों के उड़ते हुए चितड़े, कहीं किसी का कटा हुआ सर, कहीं किसी का फेंका होता। मेरी नजरों से देखो अल्ताफ, मेरे कानों से सुनो, सुनो वो चप्पू की आवाज।